प्राइवेट है, बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, ये मेरा निजी मामला है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन्वेस्ट करता हूँ। क्या लगता है मार्केट सट्टा है? नहीं दिमाग का खेल है वो। हाँ दिमाग लाइक ओके, तो अडानी ग्रुप अच्छा है, काफी डाउन आया है। हाँ हाँ, बट अडानी के तो काफी स्कैम्स भी हुए। नहीं स्कैम्स तो वो उन्होंने क्रिएट किए ना, लेकिन हाँ बट कंपनी कहीं ना कहीं कंपनी का पैसा है। ओके इन्वेस्टिंग में बाइनरी ट्रेडिंग करता था, लेकिन स्टॉक नहीं करता। अच्छा अच्छा, डू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, सो दैट बी बेटर। कैन यू से कंपनी आपने शेयर जो है मार्केट में। स्वागत है आप सबका एफजेड फाइनेंस में। इस वक्त मैं आया हुआ मरीन ड्राइव में, और आज के इस वीडियो में हम लोगों को पूछने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में लोग कितना जानते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा फन होने वाला है, साथ ही साथ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हे गाइस, तो सर, सर आपका नाम क्या है? राजेश। सर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं? हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ। लाइक आप कब से जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में? ठीक है, जब से कॉलेज ज्वाइन किया तब से जानता हूँ। ओके, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह किया? नहीं किया। अच्छा, और अपना राकेश झुनझुनवाला, विजय केड़िया, ऐसा कुछ जानते हैं उनको? राकेश झुनझुनवाला को मतलब सुना है नाम झुनझुनवाला। ओके, क्या लगता है मार्केट सट्टा है? नहीं दिमाग का खेल है वो। हाँ दिमाग लाइक ओके। ये कुछ क्लासेस वगैरह आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह करते हैं? मेरा एक मतलब मेरे वाइफ का भाई, वो खुद स्टॉक मार्केट में। ओके ओके, वो ट्रेडिंग करते हैं। जानते हो कुछ? मतलब थोड़ा नॉलेज है, मैं भी नहीं है। अच्छा थोड़ा ये। और आपने राकेश झुनझुनवाला ऐसा कुछ नाम सुना है? हाँ सुना है। अच्छा, अर्शद मेहता, राकेश। हाँ हाँ, अर्शद मेहता, राकेश। कभी सोचा इन्वेस्टिंग वगैरह के लिए? इन्वेस्टिंग में बाइनरी ट्रेडिंग करता था, लेकिन स्टॉक नहीं करता। अच्छा अच्छा, स्टॉक में नहीं करते, सिर्फ ट्रेडिंग बाइनरी करता हूं। बाइनरी, ओके। बाइनरी मतलब जो ओलिम ट्रेड। हाँ हाँ हाँ, ओलिम ट्रेड, फिर बिनोमो, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड रहता है। हाँ हाँ हाँ, तो और आप इसके बारे में जानते हो लाइक गैम्बलिंग वगैरह, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग, बाइनरी ट्रेडिंग, वही है गैम्बलिंग, पूरा गैम्बलिंग है, पूरा गैम्बलिंग। अच्छा, तो ड्रीम इलेवन वगैरह आपने सुना है कभी? हाँ, ड्रीम इलेवन, बिटकॉइन, बिटकॉइन सब। कभी सोचा नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए? मैंने इस पे किया अपना, इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टो। क्रिप्टो, क्रिप्टो में कौन सा कॉइन लिया था? डॉगी कॉइन लिया अभी। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छा। अभी तो ट्विटर का नाम चेंज हुआ ना, डॉजी हुआ, तो अच्छा। वो मैंने बहुत टाइम पहले लिया था। कितने रुपए में लिया था आपने? 9 रुपए में, अभी 8 का चल रहा है। हाँ हाँ, नहीं अभी और बढ़ जाएगा, अभी 30% 9 रुपए में लिया था, फिर बाद में 22 में बेचा। अच्छा अच्छा, आपने तो प्रॉफिट भी किया। अच्छा ओके ओके, और फिर आप मतलब नॉर्मल स्टॉक मार्केट में अगर नहीं करते हो? नॉर्मल नहीं, मेरे को सीखना है पर उसके बारे में। ठीक है, मेरा ऑलरेडी क्लासेस है, मैं स्टॉक मार्केट का क्लासेस लेता हूँ। तो हमारे ग्रुप में हमारे पास और भी मेंटर्स है जिनके हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो हम आपको फ्री में कोर्सेज दे देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। सर आप स्टॉक मार्केट के बारे में क्या जानते हैं? देखो स्टॉक्स मार्केट किसी भी देश का स्टॉक्स मार्केट क्या दिखाता है, वहाँ की आर्थिक स्थिति का नजरिया दिखाता है। ओके, आर्थिक स्थिति का नजरिया का मतलब ये है कि वहाँ का जो वैल्यू है इकोनॉमी को लेकर पीपल्स के अंदर कितना है, इंडस्ट्रीमैन जो है उनका कितना है, और वहाँ का जो है औद्योगिकरण को लेकर कितना जो है इन्वेस्टमेंट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या चल रहा है मार्केट में, उस चीज को दिखाता है स्टॉक। स्टॉक्स हमारे क्या दिखाता है, करेंसी वैल्यूज को भी दिखाता है। Okay. हमारा स्टॉक्स ऐसी बहुत सारी चीजें है। स्टॉक्स से हम क्या वैल्यू डिफाइन करते हैं, वैल्यू डिफाइन करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स को, एक्सचेंज को डिफाइन करते हैं, हमारा जो दूसरी कंट्री के कंपेयर में हम कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो स्टॉक्स के बिहाफ पे स्टॉक्स इसी चीज को काम ही करता है। और आज मैं देख रहा हूँ जिस तरह से लोगों का जो लोग जिस तरह से जा रहे हैं स्टॉक्स की तरफ, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है संदेश। हाँ, पॉजिटिव संदेश इसलिए है लॉकडाउन के बाद से। हाँ, लॉकडाउन के बाद से भी, और एक जो अवेयरनेस जो आई है ना इन्वेस्टमेंट पे को लेकर लोगों के अंदर। हाँ, हाँ। क्योंकि अब क्या हम लोग जैसे हैं, हम जो यूथ है, हम लोगों को पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट का क्या वैल्यू है, मतलब टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है हमारे इनकम सोर्सेज का क्या वैल्यू होता है। आज आप देखिएगा, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा साइड बिजनेस क्या इन्वेस्टमेंट पर्पज होगा, इन्वेस्टमेंट पर्पज में क्या होगा, वो स्टॉक्स वैल्यू में मैं शेयर के वैल्यू में लूँ, या मैं बिजनेस पर्पज में लूं, या मैं चैन सिस्टम में इसको इन्वेस्ट करूं, लेकिन मैं इन्वेस्ट जरूर करूंगा। हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा। अब सुनो, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं जाके इनडायरेक्टली वे में कहां चला जा रहा है, स्टॉक्स पे चला जा रहा है। ठीक है, अगर मैं शेयर लिस्ट ले रहा हूं, लेकिन खमिया क्या हो रही है आज के टाइम पे, मैं इंडिया के अंदर बेचता हूँ, खमिया क्या हो रही है, हमने स्टॉक्स ले लिया, आज क्या ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन ने एक छोटे छोटे बिल्डअप कर दिया उन्होंने एक नेटवर्क। अब उन्होंने क्या कर दिया, हमें लगता है कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप कर रहा हूँ। ओके,
इन्वेस्ट करके मैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप कर रहा हूँ, उसका स्टार्टअप बढ़ा रहा हूँ, हाँ। मेरा पैसा गया, बिल्डअप हो रहा हूँ, हमें तो लगा वो, लेकिन उसका जो टाइप होता ना, टाइप क्या होता, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता। फिर देख रहा हूँ यार, जिसको मैंने बढ़ाने का सोचा था वो तो बढ़ नहीं रहा है, और वो वही बढ़ गया और वो और दब गया। कहने का मतलब है जो ये खाइयां जो बढ़ी है ना स्टॉक्स में, वो दिख नहीं रहा है लोगों को। लोगों को इसको भी विचार विमर्श करना चाहिए कि हमें, हमारा स्टॉक्स वैल्यू बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक्स वैल्यू इक्वलिटी में बढ़ना चाहिए। इक्वलिटी का मतलब जिसने सारे ऑर्गेनाइजेशन को इक्वल हम वैल्यू दें। कहने का मतलब जब भी हम इन्वेस्ट करें, जब भी हम शेयर्स लें, शेयर्स होल्डर्स को लिया, कहीं भी एनीथिंग किसी भी चीज में करें। अब क्रिप्टो क्रिप्टो वो चला है उसमें उसमें नहीं दूंगा मैं ज्यादा चीजें, लेकिन जो हमारा जो कंट्री की इकोनॉमी जो अपना जो ना भूमिका निभाए उस पर ध्यान दे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को इक्वलिटी करो, एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा फोकस करो। इससे हमारे लिए नुकसान है, हमारा नुकसान मतलब देश के लोगों का नुकसान होना, और देश के लोगों का नुकसान होने में देश का नुकसान होता है। तो स्टॉक्स की वैल्यू और थिंक सेंस ऑफ माइंड और थिंक ऑफ माइंड जो चेंज हुआ लोगों का, वो बहुत अच्छी बात है लोगों के लिए, और ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के लिए बेटर है इंडिया के लिए। अच्छा, आप करते हो कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह? बिल्कुल करता हूँ। किसमें आपने, कुछ कोई कंपनी बता सकते हैं जिसमें आपने इन्वेस्ट किया? ऐसा ये मेरा प्राइवेट है, बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा निजी मामला है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, ठीक है, और ये हर लोगों को करना चाहिए, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब देखो, आज हम ग्लोबली से क्या करते हैं, हम ग्लोबली हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा इक्वलिटी के ऊपर है कि हम भी इंडिया भी उसके एडजस्ट करें, जैसे डेवलप कंट्री के जगह पे एडजस्ट करें, हम अपने आप को चाहते हैं कि एडजस्ट हो, हमारे सारी फैसिलिटी सारी चीजें एडजस्ट हो। उसके लिए क्या होना, हमें उसी वैल्यू में जाना पड़ेगा। आप बताइए, जिस अमेरिका को आप कहते हो बिल्डअप, वो सारा शेयर पे ही टिका हुआ 90%। यस, और हमारा क्या है, 10-15% भी नहीं है। अब सोच लो कितना डिफ्रेंशिएट है। राइट, एक तरफ हम अमेरिका से तुलना कर रहे हैं, एक तरफ जब हम शेयर वैल्यूज का इन्वेस्टमेंट का देख रहे हैं, तो वो देख लो 80% का डिफ्रेंशिएट मायने रखता है। तो वो चीजें जो है ना, वो चीजों को कम करना है हमें, और हमें लेना, लेकिन इसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा बस, हमें जॉब से नहीं चलेगा, इन्वेस्टमेंट जरूर करना है, ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट के साथ ही सारी चीज, टाइम मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। देखो कोई भी चीज, अब मार्केट में अगर कोई कंपनी जाती है, अगर वो अपना क्वालिटी रिस्क एडजस्ट नहीं करेगी, तो उसका मार्केट चलेगा क्या? कंपनी वो एडजस्ट करेगी मार्केट के अंदर? नहीं करेगी। तो क्वालिटी रिस्क जैसे मार्केट के लिए किसी प्रोडक्ट के लिए होता है, वैसे हमारे लिए कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज रिस्क होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आजकल काफी लोग बोल रहे हैं कि लाइक स्टॉक मार्केट सट्टा है, तो आप मतलब क्या कहना चाहोगे उस पे? जिंदगी भी तो एक सट्टा है। हाँ, एक बैटरी तो खेले जिंदगी, अगर हम जी रहे हैं दूसरे पल क्या होगा मेरे साथ पता है क्या आपको? नहीं, पता है? बिल्कुल मुझे पता है नहीं पता, मेरे परिवार में क्या होगा पता है मुझे नहीं, लेकिन मैं स्टॉक्स लगा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, एक सेफ गेम खेल रहा हूँ। हाँ, सेफ गेम कहने का मतलब देखो, मैंने सट्टा खेल लिया, देखो आपने कह दिया मैं बैट लगा रहा हूँ किसी कंपनी में, लगा दिया। अरे भैया, मैं बैट लगा रहा हूँ पॉजिटिव वे में लगा रहा हूँ, मेरा माइंड जा रहा है कि मेरा इनकम सोर्स कैसे बढ़े। बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर, इनकम सोर्स कैसे बढ़े। मैं इनकम सोर्स, अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो क्या वो मेरा सत्ता नहीं हुआ? मैं आठ घंटे दे रहा हूँ, 8 घंटे का क्या मेरा बेनिफिट, मेरा पॉजिटिवनेस क्या मिल रहा है उसको? मुझे उम्मीद है नहीं है, बिल्कुल नहीं उम्मीद है मुझे। राइट, 8 घंटे का मेरा रिजल्ट क्या है, मुझे खुद नहीं उम्मीद होता है, वो मुझे स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन 1 ईयर के बाद देती है। अब 1 ईयर तक मेरा क्या है वैल्यू, वो मुझे खुद नहीं पता, तो वो भी देख right, और थोड़ा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई भी कंपनी को भी मौका बहुत जरूरी है, बॉस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, स्टॉक्स का जरूरी है, स्टॉक्स नहीं हर चीजों का जरूरी है, अपने वैल्यूज के लिए जरूरी है वो सब। ये बैट वोट जिंदगी एक सत्ते पे चल रही है, तो भैया वो भी एक सत्ता ही समझ। राइट राइट राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपको। Yeah. तो हमने बहुत सारे लोगों को पूछा यहाँ पर स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन ज्यादातर जो थे वो स्टूडेंट थे, एंड वो लोग बंक मार के आए थे, जिसकी वजह से वो लोगों को पता नहीं चला कि क्या लोग को स्टॉक मार्केट के बारे में पता है। लेकिन फाइनली हमें, हमारे को एक भाई मिले हैं। तो भाई डॉजकॉइन का क्या हाल है? तो भाई अभी इंटरेस्टेड नहीं है बताने को, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि भाई अभी डॉजकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे। तो सर, आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं? हाँ सर, जानते तो हैं, स्टॉक मार्केट में लोग अपना पैसा जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, आप करते हो इन्वेस्टमेंट? नहीं सर, हम तो नहीं करते हैं। अच्छा, आपके कोई फैमिली मेंबर वगैरह में करते हैं? नहीं सर। तो आपने कुछ मतलब नाम सुना है कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ स्टॉक्स वगैरह कंपनी के? हाँ सर, कंपनियाँ अपने शेयर जो है मार्केट में, हाँ हाँ, इनमें अपलोड करते हैं, तो लोग खरीदते हैं शेयर। हाँ, बाई शेयर। कंपनी को जो है प्रॉफिट होता है तो उनका पैसा। बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट में ना किसी कंपनी को बाय करते हैं एंड सस्ते में कोशिश करते हैं बाय करने को, और जब वो कंपनी प्रॉफिट करती है तो हमें भी उनको प्रॉफिट मिलता है, और हम उस तरह से कमाते हैं वहाँ पर। जैसे
ये आपका ईपीएफओ है, इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड, ये भी मार्केट में शेयर मार्केट में पैसा इम्प्लाइज के जो ईपीएफ कटता है राइट 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 उसको जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो प्रॉफिट जो होगा उसमें इम्प्लाइज को भी प्रॉफिट मिलेगा। और आपने एलआईसी भी सुना होगा, एलआईसी भी उसमें इन्वेस्ट करती है राइट राइट और इससे फायदे भी हैं। हाँ लोगों को जो है जो बैंक रेट है इंटरेस्ट रेट उससे कहीं ज्यादा फायदा राइट। तो अभी कुछ दिनों से कैसा है ना इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा डाउन आया, तो ऐसे में मतलब क्या लोगों को खरीदना चाहिए या बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से काफी बढ़ चुका था इंडियन मार्केट। तो अभी देखिए लॉकडाउन से थोड़ा सा कई देशों की जो है इकोनॉमी जो है डिस्टर्ब हुई, तो ये तो मार्केट में उतार चढ़ाव कभी आता जाता रहता है, तो लोगों को खरीदना चाहिए, इससे जो है पैसा टेक्नोलॉजी के काम में लगाया जाता है, हमारी इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है। अडानी के बारे में कुछ जानते हैं? जी हाँ, आजकल पार्लियामेंट में उनकी का जो है चर्चा चल रही है, क्योंकि उनके शेयर्स कैसा है जरूरत से ज्यादा बढ़ गए और फिर अभी डाउन आ चुके हैं, तो काफी लोगों का उसमें इन्वेस्टमेंट में लॉस भी हो गया। ओपोजिशन जो है डिमांड कर रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए राइट राइट, उसकी जांच कराई जाए कैसे उनका पैसा जो है इन्वेस्ट किया गया। सही बात, उनके शेयर जो है इस समय काफी डाउन हो गए, काफी डाउन हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं, और विश्व में जो उनकी जो एक क्रेडिट बनी थी दुनिया के टॉप 10 में इनका इंडस्ट्रियलिस्ट में इनका नाम था, उद्योगपतियों में टॉप 10, तो अब काफी मार्केट में काफी डाउन होता है, अब 23rd नंबर पे चले गए हैं। हाँ काफी, और अभी तो कहने में आ रहा है कि और नीचे और डाउन आ चुके, तो इस तरह से जो है मार्केट शेयर मार्केट तो घटता ही, इंटरनेशनल उस पर घटना बनता रहा। हाँ अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी डाउन ही है ऐसा, ये चाइना का मार्केट तो काफी ज्यादा क्रैश, अभी तो अमेरिका की स्थिति और ज्यादा खराब होगी, वहाँ पे जो है ज्यादा डाउन हो चुका है, कई बैंक जो है सिलिकॉन वैली बैंक करके वो भाग गए डायरेक्ट ऐसा लेके ऐसा लिया। और देखा जाए तो अभी इंडियन इकोनॉमी तो फिर भी बेटर है कई गुना, क्योंकि उनका मार्केट काफी ज्यादा क्रैश हो चुकी है और इंडिया की तो फिर भी अभी बेसिकली यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो यहाँ पे इतना ज्यादा वो नहीं हो पाता है। हाँ क्योंकि हमारे पास खाना है, तो हम कुछ मार्केट में कुछ भी चल रहा हो हम खाना खा रहे हैं, किसानों की वजह से खाना खा लेते हैं क्योंकि खाना है हमारे पास। ये इंडिया में पहले भी जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह, उनके टाइम में भी पूरे विश्व में मंदी आ गई थी, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी जो है फिर भी बेटर थी, बेटर थी, हर कंट्री से बेटर थी। सो सर थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलकर, काफी अपने डिटेल वाली बातें, थैंक यू वेरी, थैंक यू। सर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते कुछ? जी सर। क्या जानते हैं सर आप? स्टॉक मार्केट वो इंस्टीट्यूशन है बेसिकली हमारी कंट्री का, जहाँ पे जो हमारे कंपनी में मतलब हमारे देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो लिस्टेड हैं और लोग उनके वैल्यूएशन के हिसाब से अपनी उनकी ग्रोथ के हिसाब से उन पे पैसा लगाते हैं। ओके सर बहुत अच्छी बात है। सर आप इन्वेस्टमेंट किए कभी कुछ? यस। कौन से हिस्से करते हो आप इन्वेस्टमेंट? सर मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल, अच्छा। और सर आप कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो? रिलायंस, HDFC। ओके नाइस नाइस, मतलब आप ब्लू चिप कंपनीज में जाते हैं। यस। तो सर आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानते हो? थोड़ा बहुत मालूम। लाइक आपने कभी सुना था ये सब स्टॉक मार्केट के बारे में? वो तो काफी टाइम से सुना हुआ है लेकिन बहुत कम ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा ट्रेडिंग वगैरह करते हैं? किया है आपने इससे? कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए? मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल, अच्छा। और सर लाइक आप ट्रेडिंग ही स्पेसिफिक करते हो या इन्वेस्टमेंट के लिए? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर रहा था। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अच्छा। और आपके फैमिली मेंबर वगैरह में भी करते क्या? और आपने कहीं स्पेसिफिक सीखा है कोई स्टॉक मार्केट या फिर ऐसे ही? नहीं उसके के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कम ही करूँ, ज्यादा नहीं करूँ। अच्छा, अगर आपको पैसे दिए जाए तो आप कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? आपके हिसाब से तो अडानी ग्रुप अच्छा है, काफी डाउन आया है। हाँ हाँ, बट अडानी के तो काफी स्कैम्स भी हुए। नहीं स्कैम्स तो वो उन्होंने क्रिएट किए ना, लेकिन हाँ बट
कंपनी कहीं ना कहीं कंपनी का पैसा है। ओके व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग इन कंपनीज। सो बेसिकली इन्वेस्टिंग इन योर ओन बिजनेस, सो यू हैव टू ट्रीट इट एज लाइक योर ओन कंपनी इन्वेस्टमेंट, सो यू कैन स्टे फॉर लॉन्ग टू एंजॉय द बेनिफिट। सो राइट नाउ मार्केट इज डाउन, सो कैन वी इन्वेस्ट? इट्स गुड टाइम। एनी टाइम इज नो गुड टाइम फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। Basically, when you are giving time to market, is always market will give you always positive return, and it's always better to diversify your investment. So that be better. Can you say about Adani shares? Adani shares, no. See, that's what individual stocks are subject to volatility. Even markets are subject to volatility. But when you are buying in group of shares, then obviously if Adani is no coming down, obviously your Ambani will go up. Yeah. So you should have like no Adani, Ambani, Tatas, Birlas, Kotak, all in your portfolio, basically diversified portfolio to enjoy I think average return, and it will average your risk also. Thank you so much, sir. Thank you.